तो गाइस हमारा कलर रेडी हो चुका है, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। थैंक यू अल्फात भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई, आई लाइक दिस कलर एंड आई होप गाइस आप सभी को पसंद आया होगा। गाइस सलाम नमस्ते, कैंचो कैसे गए। आज मैं अपने हेयर कट के लिए आया था। मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने हेयर कलर कराऊं और ये मैंने डिसीजन अभी लिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा सारे डिसीजन टाइम पे लेता हूं, कुछ भी मतलब इंस्टेंट जो उसी टाइम पे होने होते हैं। फर्स्ट टाइम हेयर कलर करा, फर्स्ट टाइम ऐसे कि मैंने आपको पता होगा 2020 या 2021 में किया था, बट वो मुझे इतना सही नहीं लगा था क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था। तो वैसा तगड़ा वाला कलर नहीं करेंगे, बट हम लोग कुछ ऐसा कलर करेंगे जो मेरे स्किन टोन पे मैच हो, थोड़ा मुझ पर भी मैच हो। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं वापस ब्लैक करा लूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि अपना टूर है दोस्त लोगों के साथ इंटरनेशनल टूर, और वो मैंने बताया नहीं था अभी तक, आप लोगों ने गेस नहीं किया। प्लीज़ गाइस गेस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी वापस बोल रहा हूँ कि मैं उधर अकेला गया था, वो सब छोड़ो। बट अभी सोचा कि इसका ब्लॉग बनाया जाए, सो लेट्स गो। ये हेयर में छोटे कराने का सोच रहा था, बट इसमें नॉर्मल छोटे करेंगे और वो कलर करेंगे। बट अभी डिसाइड करते हैं कि अल्फात भाई जो लास्ट ब्लॉग में भी जिन्होंने मेरा हेयर स्टाइल किया था, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि भाई क्यों ना अपन ना कलर करते हैं। तो मैंने बहुत सोच के और थोड़ा रिस्क लेके हाँ बोला कि हाँ भाई चलो करते हैं। फैन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना दिया जाए, तो लेट्स गो। पहले डिसाइड करेंगे कौन सा कलर करेंगे, पहले कलर करते फिर आप बताओ कैसा लगेगा। ऐसा भी कर सकते हैं पर भाई इंसान गोरा है, मेरे को अपना कलर पे जाए ऐसा, मतलब ये भी सही है। जाएगा जाएगा, हम इसको और सेटल करेंगे। ऐसा कुछ करूँ कि लाइक डस्की स्किन के ऊपर कौन सा कलर, मतलब इसी उसमें ना हम थोड़ा सेटल डाउन। ओके ठीक है, ये भी और एक और कोई ऑप्शन होगा तो देख लो। ओके हाँ, मतलब दो दिन देख लो, जो भी डिसाइड होगा फाइनल लिख करते हैं। भाई मेरी माँ है ना, मुझे बोले बेटा उधर ही ले जा, तो ये मेरा लड़का नहीं हो सकता। मैंने ना भाई ये तुमको बोला ना, जैसे अभी ये कराने का सोचा था बट अभी नहीं, अभी ये एक दिन के लिए करेंगे, एक दिन के लिए करेंगे ना, प्रॉपर शूट के लिए करेंगे। ये एक पूरे दिन के लिए होता है। हाँ मतलब पूरा टाइम लगता है इसको, पूरा दिन लगता है, पूरा दिन लगता सिर्फ वो ग्रे को। ठीक है मतलब करेंगे किसी दिन ऐसे शूट, सिर्फ शूट के लिए। देखो ये कलर भी सही है, ऐसा कुछ है ना, ऐसे ही कुछ सिमिलर इसके टाइप में ना। ठीक है फिर, इसके मतलब इतना भी नहीं, बस ये मेरी स्किन पे जाएगा मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलते हैं है ना, फर्स्ट क्लास, आपके ऊपर सब अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट भाई, पक्का कलर करो ना। अरे सच में पता है तुमको बोला मैं 2-3 साल बाद कलर करा। फर्स्ट टाइम मेरे को कलर अच्छा नहीं लगा था। अच्छा। अभी आदमी को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि फिर वो डर लगता है नेक्स्ट टाइम करने में। सही बात है। पर मैं मुंबई में कराया था। अच्छा। अब सूरत गया था दूसरे दिन। हाँ। मेरी मम्मी ने मुझे घर में नहीं उसने गया, मुझे ब्लैक करके आया तभी है। भाई अपना बिफोर फोटो ले रहे हो चुका है। अभी भी सोच लो भाई। हाँ? अभी भी सोच लो। सोच लिया रे। पक्का कर देना हेयर कलर। नॉर्मल पहले कट करेंगे ना। पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी तो भाई नहीं काटूंगा, नेक्स्ट टाइम बियर्ड। क्या चीज? अभी हो गया बेट। क्या? बियर्ड नहीं काटूंगा। बेट क्यों? पता नहीं यार, मेरे को तो अलग ही दिखता है चेहरा। जब बस ये इतना बैठना, ये चले जाएगा ना, तब पूरी बियर्ड नहीं काटूंगा। नहीं है आपका? इधर थोड़ा है यार, वो लगता है आप यहाँ बियर्ड नहीं है ना, तो स्किन दिखती है तो ऐसा लगता है। बस तो क्या, फिर पूरा चिकना रहेंगे, थोड़ा हेयर बढ़ेंगे, बस बस फिर वैसे थोड़ा और नहीं जॉले नाले लड़के वीडियो में नहीं, तो वैसा लुक थोड़ा फेस कट आ जाएगा ना। कभी खाने पीने का तो थोड़ा ऑयली ऑयली कुछ भी नहीं, तो फर्क आया देखो पहले से, बहुत फर्क आया। आप मेरे पुराने फोटोज देखोगे ना भाई, मैंने देखे पुराने वीडियो का फोटो, इसमें इतना फैट है पूरा। हाँ बट अभी चला गया, 5% बहुत उतर गया। डन हो गया है, हमने भाई वो कलर चेंज कराने का सोचा। अब हम कर रहे हैं शू पॉलिश। शू पॉलिश कलर कर रहे हैं, मतलब शू पॉलिश मतलब वो ब्लैक वाला नहीं, जो शू पॉलिश। तो शू पॉलिश हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शू पॉलिश की तरह कराया जाता है। ओके ऐसे मतलब जैसे शू पॉलिश करने का स्टाइल। करेक्ट। ओके और आपने वो क्या बोला था? टेक्निक शू पॉलिश है बट कलर हमारा दूसरा है। पर वो क्या, कौन सा रेला बोला? अम्ब्रेला क्या? ओम्ब्रे। ओम्ब्रे मल्टी कलर टाइप भी मतलब होता है इसमें, जो कि हम नहीं कर रहे। ये देखो आप देख सकते हो, ये
और ऊपर ब्लॉन्ड की साइड आएगा कलर। ओके, जो आपको पहले मैंने फोटो दिखाया था वैसा नहीं कर रहे, उस टाइप ही कर रहे बट डिफरेंट वे में कर रहे, अलग दिखेगा। लेट्स सी हाउ इट विल लुक। प्रॉपर शू पॉलिश हो रही है, हेयर पॉलिश मैं पता नहीं अभी भी कंफ्यूज हूं। मैंने अभी मॉम को कॉल किया था, अच्छा बोला मम्मी मैं हेयर कलर करने आया, बोलती लास्ट टाइम जैसा तो बेटा सोचना ही मत, बोलती अगर सोच रहा है ना तो जो ट्रिप पे जा रहा है ना वो भी कैंसिल कर दे, बोलता ऐसा बन के बाहर मत जाना, नाम मत खराब करना। पर मैं अपन कितना भी छुपाए घर वालों से पता तो सब रहते हैं, वो बस ऐसे हाँ ऐसे अनजानी बनती है मम्मी, पता तो सब कुछ होता है मम्मी को, बट अपन ऐसी भी हरकत नहीं करते कि जो कभी पता चले, ना करेंगे भी। शरीफ लौंडे, शरीफ लौंडे वैसे तो बदमाश है अपन, पर दिल से शरीफ है। Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about, so we can dine and spend up all our nose. तो गाइस हमारा कलर रेडी हो चुका है, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। थैंक यू अल्फात भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, थैंक यू सो मच भाई, आई लाइक दिस कलर एंड आई होप गाइस आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये कलर पसंद आएगा तो आप मेरे फैंस नहीं हो, क्योंकि ये कलर नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी इस पे शेड आएगा, फिर प्रॉपर कलर बाद में आएगा, मैंने बस प्रैंक किया आप पे। अभी इसमें और क्या क्या बाकी भाई? पर बस डिपॉजिट बाकी है। ओके, डिपॉजिट मतलब कौन सा वाला? मेन कलर डिपॉजिट, मुझे लगा घर के टाइम पे जो डिपॉजिट दे दियो। ओके, तो गाइज ये जो इतना ये तांबड़ा कलर दिख रहा है ना, ये नहीं है, अभी इसको छुपाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये अच्छा लगेगा तो बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे जीरो मतलब 100% श्योर हूँ नहीं पसंद आएगा किसी को, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया, लोगों को पसंद नहीं आया। बट यार अल्फाज भाई और अल्फाज ऐसा कलर करेंगे तो मैं यार किसी बात, अभी इस पे और आएगा देखो। ऐसा कलर तो मैं जिंदगी में कभी ना करूँ भाई, मेरी माँ मेरे को बोलेगी बेटा बस हो गया पैकअप। ये हमने अभी प्री लाइटनिंग किया था। ओके, प्री लाइटनिंग करने के बाद हमने बालों को लाइट किया। ओके, अब लाइट करने के बाद हम कलर डिपॉजिट करेंगे, हमने कलर चूज किया। गाइस हमने हेयर कट भी किया, ये तो अभी प्रॉपर जब हेयर सेट करेंगे तब दिखेंगे। बहुत सेक्सी शेड दिया है साइड से, मुझे बहुत दिनों से करना था बट बड़े बाल थे इसलिए मैं कंफ्यूज था करूँ कि नहीं करूँ, बट आज किया। जब हेयर सेट होंगे तब कलर प्रॉपर होके, अब मुझे भी थोड़ा अंदर से लग रहा है कि अभी सही जा रहा है हमारा हेयर कलर। सही हाथ में मेरे हेयर आए। लेट्स गो फॉर अनदर वन। बीच में मुझे भूख लग गई थी और मेरे मील लेने का टाइम हो गया था, तो इनसे बोल गया मैंने प्रोटीन बार मंगवाया, और मुझे इधर 45-50 मिनट्स है, तब तक के लिए ये थोड़ा काम कर जाएगा पेट के लिए, देन आई विल गो टू होम, उसके बाद मैं अपना मील लूँगा, एक काम है, देन उसके बाद जाऊँगा जिम। आज मारेंगे बैक, फिर शाम को पैकिंग अपना जो जहाँ जा रहे हैं, और आज रात को या कल सुबह तक अपने सब पेंटर लोग भी आ जाएंगे। तो भाई अभी हम लोग वॉश करने वाले हैं, फाइनल वॉश, और इसके बाद फिर फाइनल कलर आएगा। मुझे इतनी भूख लगी ना, मेरा मील घर पे वेट कर रहा है, और मेरे को 4 बजे काम है, उससे पहले मुझे खा के रेडी। रोहित कुछ खिला भी नहीं सकते क्योंकि नॉन वेज तो बन ही रखा है वही। यार कोई नहीं चलता है, कभी कभी भूख के लिए एडजस्ट कर लो। सही बात है। अभी ओरिजिनल वाला कलर दिख रहा है, प्रैंक नहीं करूँगा आप, सच बात। गीले वाला को नहीं दिख रहा वही पर, सही है गीले बाल पे, वो तो गीले बाल पे भी दिख रहे थे वो तो। अरे वो ब्लॉन्ड है, प्रॉपर ब्लॉन्ड। ये कौन सा शैम्पू है? ये ब्लू शैम्पू है। क्या होता है इससे? मतलब बालों में जो भी ऑरेंज येलो रहेगा ना, हाँ वो इतना विजिबल नहीं रहेगा, उसको काट देगा। ओके भाई, वो जो तुमने मुझे वो शैम्पू दिया वही यूज करो ना कलर के बाद भी। हाँ हाँ
बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई। ऑलवेज भाई का काम मतलब बोलने की बात नहीं। प्लीज़ आप लोग भी बताओ कैसे लग रहा है। और इंस्टेंट हमने ये ब्लॉग बनाने का सोचा, कलर करने के लिए मुझे भाई बहुत दिन से बोल रहे थे। मैं पास से दिखा दूं भाई, एक बार डिटेल दिखा दो। Awesome, awesome, very nice. कलर करने के लिए मुझे अल्फाज भाई ने भी बहुत बार बोला, फिर मैंने थोड़ा गट्स रखे, फिर डिसाइड किया, फिर अभी बनवा रहा। अभी ये पूरा अपने मतलब जिस हिसाब से बॉडी है उस हिसाब से ये हेयर कट भी इन्होंने, हेयर कट से लेके आप हेयर कलर से लेके और बॉडी से लेके मतलब पूरा मैच हो रहा है। थैंक यू सो मच भाई। और अभी थोड़े आज ही करा है सर, बताना क्या करते हो, क्या करते हो? प्लीज बताना यार, प्लीज की कैसा लग रहा हूँ। मुझे तो अभी बहुत जैसे ऐसे देखते जा रहा हूँ, खुद को वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज टेल मी आपकी कि कैसा लग रहा है। मैं लोगों को सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज मतलब ओके सरप्राइज होगा, मैंने हेयर कलर हुआ तो, बट ऐसा कि पूछता हूँ उसको भी कि गाइस हाँ हम लोग कैसा लग रहा है। सही लग रहा है, एक नंबर पक्का सही है। गाइस बोले मेरे लिए मील बना रहे हैं, ऐसा दोस्त सबको मिले, बीवी तो नहीं पर दोस्त ऐसा सबको मिले। बोले सच सच बता रहा कैसा लग रहा है। सही लग रहा है, खतरनाक था। मैं तो आप पूछता ही रहूंगा बार बार सबको। अभी आपको इतना पूछा, अभी कल सारे दोस्त लोग आएंगे आज रात तक, उनको भी पूछूंगा, बट अभी तो बता तो दो यार। प्लीज कमेंट में बताना गाइस, मैंने बहुत बार पूछा आप सभी को। वर्कआउट करने जा रहे गाइस, जैसे मैंने आपको बोला आज बैक का वर्कआउट है। आप लोग भी बहुत बोलते हैं कि भाई जिम का ब्लॉग बना, एक तो पूरा प्रॉपर अपन जिम का ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि सिर्फ हेयर कलर का ही ब्लॉग बनाएंगे, बट थोड़ा वर्कआउट का भी थोड़ा आपको थोड़ा लेकिन प्लीज गाइस जिम के पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा है, प्लीज जिम जाओ यार, फिट रहो, फालतू चीजें बॉडी के अंदर मत डालो, अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा पानी पियो। मैं कर रहा हूँ, आई नो कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसको आप ज्ञान समझ रहे होंगे, बट जिसको अच्छे तरीके से लेना है अच्छे तरीके से लो, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो, क्योंकि मेरा देखो मेरे को तो करना है, मैं तो करूँगा। इट्स ऑन यू कि आपको करना है या नहीं करना है। मैं तो बोलता रहूँगा रोज करते रहो, जैसे आप मेरी स्नैप स्टोरीज भी देखते हो, मैं तो करता रहूँगा। बहुत से लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं और बहुत से लोग हैं कि जो बोलते हैं कि टाइम नहीं हमारे पास या कुछ होता है सबका। आई नो किसी की मजबूरी होती है, किसी के पास जिम के पैसे नहीं, किसी हमारे पास भी नहीं थे, बट कोई नहीं, जिनके पास नहीं है वो मेहनत करो, थोड़े दिन बाद जिम लगाओ, बट प्लीज ट्राई हो सके तो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वर्कआउट ही करो, बट कुछ तो करो, या तो सुबह भागो या कुछ अपना स्टेमिना बिल्ड रखो, अपने आप को स्ट्रांग रखो बस। कल उठ के यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे तुम रेडी रहो उस चीज के लिए। मुझे गाइस प्रिंस सर ने, मेरे ट्रेनर जो डेडली मारने बोला, और मुझे थोड़ा अंदर से डर लग रहा है, डर क्योंकि इसलिए लग रहा है कि आपको ये पता है 3 महीने में रेस्ट पे था, मेरा बैक का प्रॉब्लम है, ये जो मेरा जो इंजरी था डेडली की वजह से वो रहते थे तो थोड़ा सही रहता था मेरे लिए, बट अभी वो नहीं, तो डिफिकल्ट है। मैंने उनको बोला भी कि सर मुझे थोड़ा अंदर से ही वो नहीं हो रहा है, तो बोला कि तो अकेला ट्राई नहीं करेगा तो फिर कब होगा। टुडे हम ट्राई लाइट वेट लेंगे, ट्राई करेंगे।
गाइस फाइनली एक वर्कआउट डन, बहुत फट रही थी। आई डोंट नो मैंने डेडलिफ्ट कैसा मारा है कैसा नहीं, बट मैंने केयरफुली मारा है, कम रेप्स ही मारे और लाइट वेट ही मारा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और आज मेरे वर्कआउट, क्योंकि क्या होता है कभी 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 तो रोज ही ऐसे हो रहा है, जब से मुंबई आया हूँ जितना भी रोज वर्कआउट करो सारा वर्कआउट प्रिंस सर ही भेज रहे, और आज उन्होंने डेडलिफ्ट भेजा था। तो मैंने उनको बोला भी कि सर अकेले मैं नहीं मार पाऊंगा, थोड़ा डर लगा। तो उन्होंने बोला डर मत मार, पहले लाइट वेट मार, पर मार क्योंकि बहुत दिन अभी इंजरी भी चली गई है। तो बोल रहे तू अगर अकेला ट्राई नहीं करेगा तो जैसे तू अकेला वर्कआउट करी ना तो डेडलिफ्ट है, तू ट्राई करेगा। सो मैंने ट्राई किया, आई डोंट नो कैसा आया क्या नहीं, मैंने प्रिंस सर को वीडियो भेजा है। एंड आप भी बताओ कि वो डेडलिफ्ट वाला वीडियो कैसा है, जो जो अपने फिटनेस ट्रेनर्स जो देख रहे हैं यूट्यूब ब्लॉग, तो प्लीज़ बताना, मैं चेक करूँगा आपका कमेंट्स कि मैंने सही फॉर्म में मारा है नहीं। लाइट वेट ही मारा है, 80 kg ही मारा है, तो मतलब बाहर का वेट छोड़ के चार चार प्लेट मारे 10-10 की। तो प्लीज़ बताना डेडलिफ्ट कैसा मारा, बाकी तो पूरा वर्कआउट आई थिंक सही होगा, अगर वो भी सही नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलते ऊपर अपना प्रोटीन पीते हैं एंड फिर ब्लॉग एंड करते हैं। जस्ट फिनिश, तो गाइज अपना प्रोटीन वोटीन पी के हो गए। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन पीते हो, तो मैं मसल गेनिंग का जो है वो पी रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैं अभी पीना स्टार्ट किया है। मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला था कि जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, मतलब अभी जो प्रॉपर मेरा चल रहा है 2 महीने हो गए गाइज, मैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा हूँ, कंटिन्यू डाइट फॉलो कर रहा हूँ। बीच में मतलब एक दो दिन ऐसे हो गया होगा, एक दो दिन मतलब बीच में ऐसे नॉर्मल डेज में, पता इतना नहीं, नॉर्मल डेज में थोड़ा हो गया होगा चीट, क्योंकि ऐसा प्रॉपर वाला मेरा चल नहीं रहा था उस टाइम पे, तो फिर थोड़ा चीट चल रहा था डाइट पे। बट अभी प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर प्रोटीन ले रहा हूँ एक टाइम 1 स्कूप। बहुत लोग पूछते हैं प्री वर्कआउट, तो प्री वर्कआउट भी नहीं ले रहा, ना क्रिएटिन ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। प्री वर्कआउट में मैं कॉफी पीता हूँ, कॉफी विद लेमन, और फिर एक टाइम का प्रोटीन है बस 1 स्कूप। बाकी अपना वही पनीर टोफू और वही सब चल रहा है डाइट में। तो सोचा कि ये सब आपको शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे स्नैप पे पूछते हैं, सोचा कि व्लॉग में सारी चीजें बता दूं। तो यही है मेरा डाइट और ये वर्कआउट जो आपने देखा, प्रॉपर चल रहा है मेरा अभी डाइट, और मैं ट्राई कर रहा हूँ रोज फॉलो करने की, वो हो भी रहा है। बट अभी तो परसों अपना ट्रैवल है, लेट्स सी कि उधर वेजिटेरियन में मुझे चीजें मिलती है या नहीं, देखेंगे। नहीं तो रोज ही मैं पनीर मिलेगा तो वही उनको बोलूंगा पनीर टिक्का का बना दो, पनीर तंदूरी बना दो, राइस के साथ वही जबरदस्ती खाना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, पहले मुझे चिकन के बिना जमता नहीं था, पहले रोज मतलब मुझे 2-3 टाइम चिकन चाहिए, सिर्फ मंडे और थर्सडे में चिकन नहीं खाता था, और त्यौहार व्यवहार आया तो नहीं खाता था। बट अभी गाइस प्रॉपर मैंने 6 महीने से चिकन बंद कर दिया है, और अभी सिर्फ वेजिटेरियन पे बॉडी बना रहा हूँ। ये 2 महीने से जितना भी मैंने गेन किया है मसल गेन, ये सिर्फ वेजिटेरियन खा के किया है। तो वही इसके अभी वही अभी प्रॉपर वेजिटेरियन पे ही बॉडी बनाएंगे हम लोग, और ट्राई करेंगे। मुझे वो देखना है कि क्योंकि मुझे देखो ज्यादा बल्कि भी नहीं बनना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 68 या 67 वेट तक लेके जाना है। आई होप गाइस कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा ना। और एक बार पूछ रहा होगा गाइस, प्लीज बताना मुझे कलर, हेयर का कलर कैसा लग रहा है। मैंने डिसेंट किया, एकदम ज्यादा लगे भी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज बताओ अच्छा लगा नहीं। डेडलिफ्ट का भी मैंने जिन जिन लोगों को पूछा प्लीज बताना कैसे मैंने फॉर्म में मारा। अपना ध्यान रखो, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। Baby.